सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स चैनल। आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी का नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है रेडमी नोट 7 प्रो। एंड ये जो रेडमी नोट 7 प्रो होने वाला है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 6 प्रो। तो इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में मिलेगा आपको डुअल कैमरा सेटअप। एंड जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, वो भी आपको बजट सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेडमी नोट 7 प्रो के प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, लॉन्चिंग डेट के बारे में, ओवरऑल में आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा रेडमी नोट 7 प्रो के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करो इसका डिजाइन की, तो बैक साइड में आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगा एंड एक और वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा जो कि आएगा ड्यूअल टोन फिनिश के साथ। एंड दोनों साइड में आपको जो है 3D गोरिल्ला ग्लास का फिनिशिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा नॉच के अंदर। एंड बेजल चेन जो है फ्रंट साइड में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो बात करूं यहाँ पर कलर वेरिएंट की, तो रेडमी नोट 7 प्रो आपको बहुत कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लैक कलर वेरिएंट में स्मार्टफोन लॉन्च होगा, ब्लू वेरिएंट देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको रोज गोल्ड वेरिएंट भी देखने को मिलेगा एंड एक और वेरिएंट लॉन्च होगा जो कि है रेड वेरिएंट। तो कलर के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है एंड फ्रंट साइड का डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जिसके वजह से फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप बात करो स्मार्टफोन का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले बात करो इसका डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच IPS LCD पैनल जो कि आएगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। एस्पेक्ट रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो। तो डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है, जिसका कलर रिप्रोडक्शन परफेक्ट होने वाला है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको बहुत ही मस्त देखने को मिलेगा, किसी भी गेम किसी भी मूवीज़ को आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हो इस फुल व्यू डिस्प्ले के अंदर। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करो तो इस स्मार्टफोन में आपको ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला बहुत ही एक्यूरेट एंड बहुत ही फास्ट। तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बजट सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करूँ यहाँ पर कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का, जिसके साथ आपको EIS फीचर भी देखने को मिलेगा एंड 5 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरे के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है, तो बैक कैमरा से आप अच्छे तरीके से इमेज कैप्चर कर पाओगे एंड 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, उसके हेल्प से आप बोके इफेक्ट पोर्ट्रेट मोड बहुत ही आराम से कैप्चर कर पाओगे। एंड कैमरा हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है, जिसके अंदर आपको कलर सैचुरेशन परफेक्ट देखने को मिलेगा एंड डिटेलिंग आपको जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक देखने को मिलेगा। अब बात करो कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो कैमरा एप्लीकेशन MIUI 10 में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा। तो Redmi Note 7 Pro जो स्मार्टफोन होने वाला है, यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी होगा बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब बात करो फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा होगा 20 मेगापिक्सल का, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा f1.9 का एपर्चर एंड एक और सेंसर देखने को मिलेगा जो कि 4 मेगापिक्सल का, जो आपको हेल्प करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से बोके एंड पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करने में। तो फ्रंट कैमरा में आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो कैमरा क्वालिटी होगा बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा एंड उसके साथ आपको AI स्टिकर वगैरह सभी कुछ फीचर देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा में। अब बात करो स्मार्टफोन का प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर होने वाला है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है एंड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो स्पीड के मामले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी ऐप किसी भी गेम का बहुत ही आराम से प्ले कर सकते हो, कोई भी लैग कोई भी हीटिंग इशू आपको इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो प्रोसेसर है ना 5G को भी सपोर्ट करता है, तो इस स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च होगा। अब बात करो दूसरे कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आप 2 नैनो सिम एंड एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो एंड दोनों ही सिम 4G को रन करा सकता है एंड डुअल वोल्टी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम वेरिएंट की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट एंड 6GB रैम के ऊपर आएगा 128GB का इंटरनल स्टोरेज एंड जो 8GB रैम वेरिएंट होगा उसके ऊपर आएगा 256GB का इंटरनल स्टोरेज एंड इंटरनल स्टोरेज जो है एक्सपेंड कर सकते हो भाई माइक्रो SD कार्ड अप टू 512GB तक। तो बैटरी की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 4200 mAh का ह्यूज बैटरी
एंड उसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग फीचर भी देखने को मिलेगा एंड हो सकते हैं Redmi Note 7 Pro के अंदर वायरलेस चार्जिंग फीचर भी देखने को मिले, तो ये बहुत ही बढ़िया बात होने वाला है। एंड 4200 mAh बैटरी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, तो ये स्मार्टफोन बहुत देर तक प्ले टाइम आपको प्रोवाइड करेगा, तो आप बहुत देर तक वीडियो वॉच कर सकते हो, गेम खेल सकते हो एंड किसी भी हाई ग्राफिक्स गेम को बहुत ही देर तक आप इंजॉय कर सकते हो। तो Redmi Note 7 Pro जो स्मार्टफोन होना है बहुत ही यूनिक स्मार्टफोन होने वाला है, तो बजट सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करो इस स्मार्टफोन का प्राइस एंड एबिलिटी के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन होने वाला है आपको बहुत ही कम कीमत में देखने को मिलेगा एंड कम कीमत में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो इसका जो प्राइस होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा 17,000 के अंदर एंड जो लॉन्चिंग डेट है आपको 2019 के मार्च के अंदर Redmi Note 7 Pro देखने को मिलेगा। तो यही है Redmi Note 7 Pro के ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना एंड अब इस चैनल में पहली बार आए तो जाके भाई सब्सक्राइब बटन बगल में नोटिफिकेशन बेल को दबा दो एंड हमने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके लिंक नीचे दे दिया है, तो वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। तो आज के वीडियो बस इतना ही था, सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।